लिए एकदम फ्लॉप आइडिया, फेल्ड आइडिया, जैसे डीमोनेटाइजेशन का आइडिया फ्लॉप था, जो अब तक लोग जूझ रहे हैं, वो अगले 100 साल भी, 100-150 साल भी ये NRC और CAA का जो असर है वो ख़त्म नहीं होगा, और आप ऑपोजिशन को जो ख़त्म करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी ये कहती है हमारी रिपब्लिक ऑफ इंडिया कि हम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर एंड रिलीजन हम किसी को सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप उस आइडिया को, इंडिया के आइडिया को, इंडिया की आत्मा को, उसके सोल को ख़त्म कर रहे हैं। आप आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। और प्लीज़ थोड़ा सा मैं आपसे अपील करूँगी कि आप प्रीएम्बल पढ़ें, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, और आप इसका मतलब समझें, और थोड़ा सा बुद्धि लाएं अपने अंदर, थोड़ी सी एजुकेशन हासिल करें, पढ़ाई लिखाई करके इस बिल पे इसके लूपहोल्स देखें, इसके नुकसान देखें। क्योंकि मैं अगर ये बोला जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है, तो मोदी जी, आप योगी जी का बयान देख लीजिए, जिसमें वो एक भरी सभा में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दोस्तों, आपके पार्टी के MLA, पता नहीं कौन कौन से नेता हैं, मैं कितनों के नाम याद रखूँ, मेरे पास सब फोन में मेरे पास सारी वीडियोस हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, जब वो अपने मुंह से बोल रहे हैं रैलीज के, बड़ी बड़ी रैलीज के अंदर कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप मना कर रहे हैं। आपका कोऑर्डिनेशन इतना ख़राब है, एक ख़राब कोऑर्डिनेशन की सरकार हम इतने बड़े देश को चला रही है, तो और भी ज़्यादा खतरनाक है अगर आपका कोऑर्डिनेशन ख़राब है और आप सच्चे हैं। तो या तो आप अपने नेताओं को जो गलत गैल बयान कर रहे हैं उन्हें निकालिए, अच्छे एजुकेटेड लोग भरिए जिनका माइंड सेट हो, स्टेबल हो, या अनस्टेबल बातें और अनस्टेबल बयान आ रहे हैं आपकी तरफ से, तो ये तो चीज़ चलेगी नहीं। हमें सबको सब दिख रहा है, वीडियोस वायरल हो रही हैं हर जगह, आपका ITCL फेल हो चुका है हर जगह, हर घर कोई सच देख रहा है अब, तो ये अब झूठ की सरकार नहीं चलेगी। हमें झूठ नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, हमें इकनॉमी ग्रो करती भी चाहिए। हमारे हालात इतने बदतर हो चुके हैं, आप पाकिस्तान से इतना कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान को, मैं नहीं समझती पाकिस्तान किसी भी कंपेरिजन के लायक है, लेकिन हिंदुस्तान की दुर्दशा अब इतनी बुरी हो चुकी है कि हमारा जो इकनॉमी है पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे आ चुका है। तो अब आप कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, अब आपका मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा कि हमारा इकोनॉमी जो है पाकिस्तान से बदतर हो चुका है, और ये जो आप कर रहे हैं कि हम नागरिकता दे रहे हैं, आप नागरिकता दे के पहले अपने देश में देख लीजिए कितने एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमी है जो आप बाहर से और लोग ला रहे हैं, और जो दूसरे आप लोग ला रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स कौन प्रोवाइड करेगा उनको, आप प्रोवाइड करेंगे क्या गारंटी उसमें तालिबान लश्कर ISI के लोग नहीं होंगे, क्या गारंटी उसमें रॉ एजेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ हिंदू और सिख और मुस्लिम और मतलब बोल के कि हम परसिक्यूटेड है और हम हमारा मज़हब ये है, हम मुसलमान के अलावा हमारा कोई भी मज़हब है, हम ये बोल के देश में आ जाएंगे। आप कह रहे थे कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, घुसपैठियों को निकाल के आप घुसपैठिए ही भर रहे हैं। आपने इस लॉ के, इस बिल के आपने लूप होल्स नहीं देखे, और आप कह रहे हैं कि अब हम रैलियाँ करेंगे, अभियान चलाएंगे, लोगों को समझाएंगे, मतलब आपने मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। अपने देश के लोगों को पहले सुरक्षित करिए, बाहर की बात भी सोचिएगा, जब हमारा देश US और लंदन जैसा एडवांस और इतनी अच्छी उसकी इकोनॉमी हो जाएगी तब आप कुछ सोचिएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ मलेशिया के अंदर इतने सारे हिंदू हैं, वहाँ पे हिंदुस्तान हिंदू ज़्यादा हैं और बाकी मज़हब के लोग कम हैं। अगर कल को मलेशिया वाले कह देते हैं कि हम जो है यहाँ पे जो है हिंदुओं को नहीं आने देंगे, आप कोई सिटीजनशिप नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है मुस्लिम माइनॉरिटी जो है मुस्लिम है, तो तब आप क्या कर लेंगे, तब हमारे लिए तब अनफेयर, तब वर्ल्ड कितना अनफेयर लगेगा आपको। अमेरिका और कनाडा में भी हो सकता है मैडम, ये तो हर जगह हो सकता है, वहाँ पे सिखों की कनाडा में बहुत ज़्यादा तादाद है, हर जगह हिंदुस्तानी बसे में, जब कह दिया जाएगा कि हम जो है हिंदुस्तानियों को यहाँ पे नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि हिंदुस्तान ऑलरेडी है वहाँ पे, जो वहाँ पे दे रहे हैं नागरिकता, तो हम नहीं देंगे, मना कर देंगे, तो अब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, ना आपके लोग वहाँ जाके पढ़ पाएंगे, ना सेटल हो पाएंगे, मतलब आप कुछ तो सोचिए, मतलब मैं सॉरी, आपने अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ही आपके पूरे कैबिनेट में पढ़े लिखे लोग होते हैं तो शायद वो समझ पाते कि इसमें कितने लूपहोल्स हैं। ये आरोप लगा रहे हैं मोदी जी, तो ये भी बोल रहे थे कि 70 दिन दो भाई और बहनों, मित्रों मुझे 70 दिन दो, अगर डिमोनेटाइजेशन फेल होती है, ये मेरा फैसला फेल होता है, तो मुझे 24 चौराहे पे ला के खड़ा कर देना,
आप आए बीच चौराहे पे, लोग आपका इंतजार करते रहेंगे, मोदी जी आइए बीच चौराहे पे, आप गायब, आप तो यात्राएं कर रहे हैं अलग अलग देश के हमारे टैक्स पे, हमारे पैसे पे। तो आपने तब भी झूठ बोला था, आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। आपकी वीडियो सारी वायरल हो रही है जहाँ पे पुलिस हिंसा कर रही है, जहाँ पे आपके गुंडे हिंसा कर रहे हैं, मतलब सबको दिख रहा है। आप आगे इतने बौखला गए कि आप कह रहे हैं हमने आसाम में NRC किया है, सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो उनके देश के आसाम ने मांगा था इसलिए हमने NRC किया, यहाँ पे NRC की किसी की तरफ से बात नहीं हुई, हमारी सरकार बात नहीं कर रही, ये विपक्ष फैला रहा है। आप अमित शाह जी, मैं पूछना चाहती हूँ, अमित शाह जी आपका विपक्ष है या आपके साथ हैं जो फैला रहे हैं? या तो वो आपकी पार्टी खराब कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन इतना खराब है, आप में इतना कोऑर्डिनेशन खराब है आपस में आप लोगों में, कि आप वो कुछ बोल रहे हैं आप कुछ बोल रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन खराब नहीं है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर ये लोग साफ बोलते हैं। अमित शाह जी की मैं 1000 वीडियो दिखा दूंगी जिसमें उन्होंने बोला है 2024 तक वो NRC लाएंगे, कैसी है सब जगह अप्लाई करेंगे और NRC हर जगह अप्लाई करेंगे और 2024 तक निपटाएंगे। एक तो ये तीसरा झूठ ये है कि वो 2024 तक निपटाएंगे, आसाम में 2 साल से हो रही है अब तक नहीं निपटी है, ठीक है, 16,000 करोड़ उसमें खर्चा आ चुका है बनाने का। यहाँ पे अगर मान लीजिए हर जगह हर स्टेट में वो अप्लाई करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, कहाँ से आएगा वो पैसा, और 2024 तक तो इम्पॉसिबल है कंप्लीट होना, इम्पॉसिबल, जितनी हमारी देश की पॉपुलेशन है नहीं हो पाएगा जब वो कंप्लीट ही नहीं होगा 2024 तक, जब आधे से ज़्यादा लोगों के लैंड राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, वोटिंग राइट्स, पासपोर्ट सब छिन चुका होगा, आप वो इलेक्शन कैसे कराएंगे? इलेक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट नहीं आएगी, गवर्नमेंट नहीं आएगी तो एक ही गवर्नमेंट रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, तो तानाशाही हो जाएगी और अभी भी वो चल रही है क्योंकि आप मीडिया को सच बोलने नहीं देते हैं। आप लोगों का हो गया है सर, बौखला गई है, कभी अमित शाह जी कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, मोदी जी अपनी रैली में आके झूठ बोल रहे हैं, या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, कोई तो झूठ बोल रहा है। आप उन लोगों को साथ खड़े होने की ज़रूरत है, साथ खड़े होकर दिखाएं, या तो अमित शाह जी ये बोलें कि मैं झूठ बोल रहा था या मोदी जी बोलें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। लोगों का डर है, ये इतना दबाव जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसका दबाव, ये उसका दबाव, उसका डर, वो बौखला गए। देखिए जगह जगह धारा लगाते थे 144, मजाक बना दिया 144 का, अब वो 144 का ना लोगों से डर खत्म हो गया है, यहाँ 144 आ गया, अरे वहाँ पहुँच जाओ वानी लगी हुई, अरे वहाँ पहुँच जाओ वानी लगी हुई, अब मजाक बन चुका है 144 का, क्योंकि एक पहले एक ज़माने में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी और यहाँ एक ज़माना ये याद करा जाएगा जब जब मोदी जी डरे, इंटरनेट बंद किया, जब जब मोदी जी डरे धारा 144 लगाई, जब जब मोदी जी डरे पुलिस की दंगाई कराई उन्होंने छात्रों पे और पूरे लोगों पे, पूरे आम जनता पे, तो ये जो है वो बौखला गए और हाँ उन्होंने झूठे बयान भी दिए। तो ये इंटरनेट का जो नया तरीका है कि कम्युनिकेशन के सारे माध्यम बंद कर दो, लोगों तक सूचनाएं ना पहुंचने दो, लोग जो है जब सूचनाएं नहीं पहुंचेंगे तो वो कुछ जानेंगे नहीं, तो आंदोलन भी नहीं करेंगे, आंदोलन को कुचलने का ये जो नया तरीका है, ये क्या लगता है इसको? मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, गांधी जी के ज़माने में, झांसी की रानी के ज़माने में, ये सब लोग जब अंग्रेज़ों के ज़माने में आंदोलन हो रहा था, जब फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे, उनके पास फ़ोन नहीं था, उनके पास कोई माध्यम नहीं था, मास मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी, फिर भी आंदोलन होता था, हमारा देश आज़ाद हुआ, वो उनके पास कम्युनिकेशन नहीं थी इसलिए 200 साल लग गए आज़ाद होने में, उनके पास मीडिया नहीं था इतना मास, आज के टाइम में तो मीडिया है, भले ही कुछ लोग सच बोल रहे हैं लेकिन जो सच बोल रहे हैं उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो गई अब कि हमारे बर्लिन, मतलब जर्मनी और ऑक्सफर्ड, मतलब पूरे बाहर के लोग और यूनाइटेड नेशन सब हमारे सपोर्ट में उतर आए हैं अब इसका जालिम बिल को, इस क्रूएलता को सब अपोज कर रहे हैं, उस ब्रूटालिटी को अपोज कर रहे हैं, मीडिया चाहे कितना ना दिखाए। और आंदोलन उस टाइम पे भी हुआ था जब नहीं होते थे नेट, तब भी हमारा देश आज़ाद हुआ, आंदोलन इस टाइम में भी हो रहा है जहाँ पे आप नेट बंद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तब भी कोई ना कोई माध्यम से बातें रिवील हो ही रही हैं, जो आपका BJP का जो IT सेल है वो भी फेल हो चुका है, इतनी वीडियोज़ वायरल हो रही है, पुलिस जहाँ पे हिंसा कर रही है, जहाँ पे BJP के गुंडे उतरे, आप ही देखिए बंगाल में हिंसा करी थी, स्कल कैप पहना के लोग उतारे थे 6 लोग, प्रूफ हो चुका है वो BJP के गुंडे थे, वो उन्होंने प्लांट किए थे उस दंगा कराने के लिए, वो अरेस्ट हो चुके हैं, प्रूफ हो चुका है। उस दिन भी आप देखिए मेरे पास वीडियो है जहाँ पे पुलिस के बैच नहीं है, बिना बैच की पुलिस घूम रही है, ये तो पुलिस हो गई है कि इन लोगों को इतनी ज़्यादा बाहर से पुलिस की वर्दी में लोग भर्ती करने पड़ रहे हैं, जो कि आगे हिंसा फैलाएं, जो कि दंगे करें,
खुद आप कर रहे हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया आपने। आपका जो ये आइडिया था कि हमने अब आईटी सेल ने नफरत फैला दिया लोगों के अंदर, कि अब हम आराम से एनआरसी रहेंगे, आराम से हम सीए अप्लाई करेंगे सब जगह, और कुछ नहीं होने वाला, वो फेल हो चुका है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।